चैनल नागर व्लॉग्स। तो आज हम लोग पालक पनीर बनाने जा रहे हैं जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है। फ्रेंड्स, ये पालक पनीर की रेसिपी बहुत ही इजी है, ये मुझसे छोटा बच्चा भी बना सकता है। अब हम लोग सबसे पहले पालक को प्यूरी बना लेंगे। देखते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। ये पालक, ये दो बड़े प्याज रफली चौप, दो बड़े टमाटर रफली चौप, एक मिर्ची और ये दो टेबल स्पून पानी। अब हम लोग एक कुकर ले लेंगे, इसमें ये पालक पूरी डाल देंगे। हमने इसमें पालक डाल दी है, अब ये प्याज डालेंगे। अब ये दो बड़े टमाटर जो हमने काटे थे डाल दिए, ये दो मिर्चा, ये पानी। अब हम इसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे, आधी टीस्पून लाल मिर्ची, अब 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। अच्छे से भरे हुए होने चाहिए। ये कोरिएंडर पाउडर हमने डाल दिया है। अब इसे बंद कर देंगे। अब इसे एक सीटी बजने तक रख देंगे। फ्रेंड्स, अभी इसमें एक सीटी लग गई है, तो अब हम इसे खोल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पालक की प्यूरी बना ली है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, ये गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, अब इसको गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, अब ये गर्म हो गया है, अब इसमें 1 चुटकी जीरा और अब फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसमें ये जिंजर पेस्ट, एक चुटकी ही अब गैस को फिल कर देंगे। ये 8 से 10 फाइनली चॉप लहसुन की कलियां हैं, इसे हम डाल देंगे। अब इसके बाद 2 चुटकी कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे जब तक ये पिक हो जाए। ये ध्यान देते रहे कि ये चिपके नहीं। इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो ये चिपकेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें ये पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी, अब इसको डाल देंगे। हमने पालक की प्यूरी डाल दी है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट,
और अब ये पनीर, अब इसको थोड़ा घुमा देंगे, इसको थोड़ा मिक्स होने दीजिए, पनीर अच्छे से पालक में डूब जाए। फ्रेंड्स देखिए ये पनीर अच्छे से पालक में डूब गया है और सब मिक्स हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब इसमें हम छौंका देंगे। फ्रेंड्स अब हम छौंका लेने जा रहे हैं, इसको रख दिया है। अब हम गैस जला देंगे। अब इसमें एक टेबलस्पून घी, अब इसमें ये बटर, अब इसमें ये एक चुटकी हींग डाल देंगे। फिर दो चुटकी कसूरी मेथी, उसके बाद हाफ टीस्पून लाल मिर्ची, थोड़ा सा घुमा देंगे और ये तड़का हमारा तैयार है। अब ये गैस बंद कर देंगे। तो ये तड़का हमने दे दिया है। अब इसमें ये क्रीम डालेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसे एक बाउल में उतार देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, आप इसे प्लीज़ ट्राई करें। ये बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी है और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।